तो दोस्तों बिहार बीएड एडमिशन का जो प्रोसेस है फाइनली चालू हो चुकी है। तो इस वीडियो में सिर्फ सिर्फ ये बताने आया हूँ कि अगर आपका नंबर कम है तो किस तरह से आप एडमिशन लीजिएगा, किस तरह से कॉलेज आप अपना अलॉटमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सपोज मान लेते हैं कि जिन लोग का नंबर 36 से 60 के बीच आ रहा है तो उन सभी को कॉलेज अलॉटमेंट होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग सकती है या नहीं भी मिल सकती है अगर आपको सही जानकारी नहीं हो। तो किस तरह से आप इतना नंबर वाले लोग कैंडिडेट को कॉलेज मिलेगा, मैं आपको इस वीडियो में टिप्स देने आया हूँ, या हो सके तो मैं ही आपको बुलाऊंगा कि आ जाओ, आपको मैं एडमिशन दिलाने में हेल्प कर सकता हूँ। तो बस आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अकांत हंसराज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। तो जिन लोग का नंबर मैं बता देता हूँ, जिन लोगों का नंबर 36 से 60 के बीच है या 65 के बीच है तो आप सभी लोग सबसे पहले मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप करके मुझे अपना कितना कितना नंबर है वो बताइएगा, कहाँ से हैं आप वो बताइएगा, और आपका नाम क्या है और कहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं आप वो बताइएगा। अगर वहाँ पे एडमिशन का जो मेरा कंसल्टेंसी है या मेरे जो दोस्त लोग हैं अगर वहाँ से जुड़े हुए हैं तो आपको मैं एडमिशन दिलाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। हो सके तो कंफर्म आपको एडमिशन दिला दूंगा, क्योंकि आप सभी लोग को, अधिकतर लोग को आइडिया नहीं होती है कि किस तरह से कहाँ से क्या क्या एडमिशन लेना होता है। बहुत ही इसी कारण एडमिशन नहीं ले पाते हैं। किसी लोग का तो नंबर बहुत ही अच्छा होता है उनको तो भी उनका एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों का तो नंबर कम है तो एडमिशन होने की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा क्योंकि दोस्तों मुझे पता है क्या क्या कैसे कैसे आपको गाइड करना है। तो प्लीज सबसे पहले इस नंबर पे आप मैसेज करके मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैंने एक ग्रुप भी बना चुका हूँ, गर्ल्स का अलग, बॉयज का अलग, बीएड का अलग, डीएड का अलग, आप वहां से ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। अब बात यार ये अब दोस्तों ये रहा जो मैं आपको पर्सनली अलग से कुछ देता हूँ हेल्प करने के लिए, एक नंबर प्रोवाइड करता हूँ। अब रहा दोस्तों कि चलिए सपोज आप लोग का नंबर आता है 36, क्योंकि ये बॉर्डर है, इस इतने ही नंबर पे क्वालिफाई किए हैं। जनरल जनरल का क्वालिफाई नंबर है 42, जो लोग जनरल में आते हैं उनका 42 नंबर आया तो ये क्वालिफाई कर पाए होंगे। ओबीसी एसटी वाले का 36 नंबर पे क्वालिफाई है, ठीक है। तो इतना इतना जो लोग का नंबर आया होगा तो उन लोगों का कॉलेज क्या मिलने का चांस है, नहीं मिलने का चांस है, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा लोग, बहुत ही ज्यादा लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो लोग की लेकिन मैं ट्राई करूंगा आप लोग को कि इन लोगों, जिन लोगों का इतना इतना नंबर आया उन लोग को भी कॉलेज मिले। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि जो डाटा है वो कितना है। तो दोस्तों टोटल क्वालिफाई किए कैंडिडेट 91,000 लोग क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। और टोटल जो सीट है कॉलेज में बिहार में 32,000-33,000 सीट है। आप बता सकते हैं कि 3 स्टूडेंट पे एक सीट मिलेगी, और कट ऑफ जिस तो है जो बहुत ज़्यादा हाई गई है। एक 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 रिकॉर्ड लिख लिया है, एक डाटा आया है जहाँ पे आपको बता देता हूँ कि 85 से 111 जो हाईएस्ट टॉपर है इतना के बीच कितना कैंडिडेट क्वालिफाई किया है, बता देता हूँ इतना इतना के बीच टोटल 12,000 लोग क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों देख सकते हैं इतना लोग क्वालिफाई किया है तो इतना लोग को तो कंफर्म कॉलेज मिल जाएगी। इनमें से 7,000 लगभग, 6,000 प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें सीट फुल हो जाएगी, बाकी बच गया प्राइवेट। तो 32,000 में से ये निकाल गया, 12,000 तो सही कवर कर लिया, ठीक है। बाकी बच गया 20,000, 20,000 के बाकी इतना लोग है, 85 से कम लोग हैं, तो 20,000 के बीच जो है 65, जो मैं बताया हूँ 65 से 85 के बीच 20,000 लोग कवर कर लेगा। बाकी बच गया जो 65 से कम वाले स्टूडेंट वो कहाँ जाएंगे। तो वो लोग को सही गाइड करने की जरूरत होती है, जो मैं गाइड कर रहा हूँ आप सभी को, इस तो मैं हेल्प करूंगा एडमिशन दिलाने के लिए। तो प्लीज तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा जहाँ पे आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ एडमिशन दिलाने के लिए। तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक मारना, अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर करना ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और हाँ तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर भी कर देना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।